देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। बाड़मेर एसपी मनीष अग्रवाल ने ग्रामीण थाना में प्रेस वार्ता कर बताया कि विधानसभा चुनावों के मद्देनजर और मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर ग्रामीण थानाधिकारी गणपतराम के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह और कांस्टेबल गुलाब सिंह ने जैसलमेर रोड पर शनिवार रात नाकाबंदी की। इस दौरान पुलिस ने जैसलमेर से अहमदाबाद जा रहे ट्रक RJ7CA8483 को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में अवैध शराब पाई गई, जिस पर पुलिस ने ट्रक समेत अवैध शराब के 975 कार्टूनों को जब्त कर लिया। वहीं ट्रक चालक जोगाराम निवासी बांद्रवा पुलिस थाना सेड़वा को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद की गई अवैध शराब की कीमत करीब 40 लाख बताई जा रही है। जा रही दारू को जो हरियाणा से भर के आ रही थी ट्रक नंबर RJ07GA8483 में उसको नेशनल हाईवे 68 पर मारवाड़ होटल के पास रुकवा कर चेकिंग किया तो उसमें पता चला कि इसमें दारू रखी हुई है, जिसके बाद ट्रक थाने में लाया गया और गिनती करने के बाद में करीब 772 कार्टून क्वार्टर्स के रोमियो विस्की और 203 कार्टून बोतल के पार्टी स्पेशल विस्की जब्त की गई। आगे तफ्तीश जारी है। खबर समय जगत के लिए बाड़मेर से बेनू चौहान के साथ चंदन सिंह की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।